ओम शांति। आज है 21 अप्रैल 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फ और बे का परिचय देते रहो। प्रश्न, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? उत्तर, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध हैं उन सबको भूलो। चलते फिरते, उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए उनका योग भी लग नहीं सकता। गीत, रात के राही। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर यह नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में, आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे से बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं यह हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, यह बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, यह कहना भी रॉन्ग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं हैं। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है, बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध न हो सके। यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं जब मुझे दीदी योग में बैठाती है तो मजा आता है, उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उसमें कोई योग में बिठाएगा क्या? यह तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वह है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूं तो किसको भी याद करो तो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह याद आएगी तो उनसे भी योग होगा। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल, मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा।
तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगर कोई भी सदगति दे ना सके, बाकी सब हैं दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को और मुक्ति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह है घर। इसमें सभी को दुर्गति में पहुँचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने लिए दर दर भटकते नहीं हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सत्युग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैश्यालय। यह बातें याद करनी पड़ती हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो तो कहते हैं हम दो वचन सुनेंगे। अब दो वचन तो बहुत नामी ग्रामी हैं। मन मना भव मध्य जी भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन दो वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। दो वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू है। अल्फ और बे, यहाँ है दो वचन। अल्फ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अल्फ, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। यह श्रीमत बाप ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। जब देखा कि अल्फ से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे। क्यों ना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बादशाही लेवे। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इस धन को क्या करेंगे। बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। यह साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करें। फिर बाबा भूखा तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूखे मरते होंगे। यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खिवैया आया है बेड़ा पार करने। तब तो गाते हैं पतित पावन खिवैया, परंतु याद किसको करना है यह किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं। अगर सभी बाप बन जाएं तो वर्षा कौन देगा। सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। यह काम एक बाप का ही है, उनकी ही महिमा है। एक ओंकार अकाल मूरत, आत्मा अकाल मूरत होती है। उनको काल नहीं खाते तो बाप भी अकाल मूरत है। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता नहीं है। वहाँ अकाले मृत्यु कब होता नहीं है। समझते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है।
स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा, यहाँ तो सब नरकवासी है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नरक में था। इतनी सहज बात भी समझते नहीं है, सन्यासी भी नहीं जानते हैं, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं, गृहस्थी भगत हैं क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है। वह तो है तत्व ज्ञानी, समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं, सत्य का बोल नहीं सकते। सत्य है एक परमात्मा, तुमको अभी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ हुए। कलयुग में सत बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत नहीं बोलता। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है, जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाएं जो मनुष्य समझे, डबल शेड देवे। एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरे तरफ गोरे का शेड। फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। योग में रह तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं, बहुत तिरकन बाजी है, बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। स्थाई याद ठहर नहीं सकती है, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इसमें सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं है। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वह रॉन्ग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, मनुष्यों ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते, नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए भी बहुत सहज है, बहुत अच्छी मिठाई है। भल गूंगा बहरा हो वह भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो यह वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है, यह छोटी छोटी चिटकियां पर्चे बांटते रहना चाहिए। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाप कहते हैं यह देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो मेरे पास आएंगे। पहले पहले यह निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ दो अक्षर हैं अल्फ और बे, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रहे। नंबर दो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थाई याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान,
सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के योग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही श्लोगन याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। श्लोगन: शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई, अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं, तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो, भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है, बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिव बाबा की मुरली डेली आपके पास पहुंचे। ओम शांति।